بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Dear students, welcome to class 8. Today we are going to start the second lecture of unit 2, that is the structure of an atom. Today our topic is isotopes. Define isotopes. Isotopes of an element. Isotopes are atom of an element whose nuclei have the same atomic number but different mass number. This is because atom of an element can differ in the number of neutrons is called isotopes. ठीक है, हमारे पास definition आ जाती है. वो ये कहते हैं कि isotopes हमारे पास क्या है. First हम जो है हम कहते हैं बहुत फर्स्ट हम इसको जो है वो डिफ़ाइन कर लेते हैं. ठीक है, हमारे पास ये जो है टू वर्ड्स का कम्बिनेशन है. ठीक है, द फर्स्ट वन इज़ आइसो एंड द सेकंड वन इज़ टॉप. आइसो मीन सेम एंड टॉप्स मीन प्लेस. हमारे पास ये ग्रीक वर्ड है और हमारे पास जो सोडी है उसने इसको जो है वो डिस्कवर्ड किया था. अब हमारे पास क्या होता है कि आइसोटॉप्स हमारे पास क्या होता है, ऐसे एलिमेंट्स जो हमारे पास जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है. मास नंबर क्यों डिफरेंट है, क्योंकि हमारे पास उसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं. ठीक है, अब हमारे पास इसकी सिमिलरिटीज़ और डिफरेंस की तरफ आते हैं. सिमिलरिटीज़ के हैं, बोथ एटम हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटोन, बोथ एटम हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोथ हैव सेम अटोमिक नंबर. अब अटोमिक नंबर जब सेम है तो नंबर ऑफ प्रोटोन भी सेम होंगे, नंबर ऑफ प्रोटोन सेम होंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम होते हैं. ये बात हमने पढ़ी थी एटॉमिक नंबर में, कि एटॉमिक नंबर में हमारे पास क्या है, द एटॉमिक नंबर दैट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. एटॉमिक नंबर द नंबर ऑफ प्रोटॉन दैट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. नंबर ऑफ प्रोटॉन कहाँ पे थे, न्यूक्लियस में आते थे. और हमने कहा था जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि एटॉमिक नंबर भी सेम है. डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, बोथ हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, बोथ डिफर इन टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, दिस मीन दे हैव डिफरेंट मास नंबर. अब हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट है, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे डिफरेंट है, कि हमारे पास जब भी कोई मास गिवन होगा किसी भी एलिमेंट का तो हमारे पास क्या होगा, उनका उनमें नंबर ऑफ जो है अब एक से ज़्यादा एक एलिमेंट के आइसोटॉप्स हैं ना. एक हमारे पास जैसे कार्बन है, कार्बन के 3 आइसोटॉप्स हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, तो उनमें हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे. तो जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है तो इसका मतलब है उनका मास नंबर भी डिफरेंट है. ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे एक साइड बॉक्स आ जाता है. डेल्टन एटॉमिक थ्योरीज एक्सप्लेन डेटा फॉर मेनी एक्सपेरिमेंट्स, सो इट वाज नाइटली एक्सेप्टेड. डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड आइसोटॉप्स प्रूव दैट सम ऑफ द डेल्टन आइडियाज अबाउट एटम वर नॉट करेक्ट. साइंटिस्ट डिड नॉट डिस्कार्ड हिज थ्योरी, इंस्टेड दे रिवाइज द थ्योरी टू टेक इनटू अकाउंट न्यू डिस्कवरीज. दिस शो हाउ प्रीवेलिंग थ्योरीज ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन दैम. उसने ये कहा कि जो आपने जो चैप्टर वन में डेल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ी थी, उसने जो है उसने डेटा को एक्सप्लेन किया था बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद. ठीक है, और उसने जो है उसकी वो थ्योरी एक्सेप्ट भी की गई थी. ठीक है, और उसने कहा था कि हमारे पास एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसके अलावा उसने आइसोटॉप्स का भी हमें आइडिया दिया था. ठीक है, अब साइंटिस्ट ने जो कि करेक्ट नहीं हुआ था, ठीक है, साइंटिस्ट ने उसकी थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया, उसकी थ्योरी को डिस्कार्ड नहीं किया यानी कि रद्द नहीं किया, उन्होंने जो है उसी को लेकर जो है वो न्यू डिस्कवरीज की हैं. ठीक है, ये हमारे पास आपके एक्सरसाइज में लास्ट आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आ रहा है, ये वाला बॉक्स. ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जी आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन हैज़ 3 आइसोटॉप्स. हाइड्रोजन 1 प्रोटियम हैज़ नो न्यूट्रॉन. ऑलमोस्ट ऑल द हाइड्रोजन इज हाइड्रोजन -1. इट्स सिंबल इज H1N1. वो ये कह रहे हैं कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं. द फर्स्ट वन इज़ प्रोटियम. प्रोटियम में हमारे पास कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता, और इसमें वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो है इसका सिंबल हमारे पास H1 और H1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर भी 1 और मास नंबर भी 1 है. तो हमारे पास एटॉमिक नंबर 1 है, तो हमने क्या कर दिया, नंबर ऑफ प्रोटॉन उतनी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमारे पास जो है न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन आ जाएगा और शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें 0 होंगे. सेकेंड हाइड्रोजन 2 दैट इज़ ड्यूट्रियम हैज़ 1 न्यूट्रॉन. ठीक है, इसमें हमारे पास कितना न्यूट्रॉन है, 1, क्योंकि हाइड्रोजन का मास नंबर कितना है, 2 है, तो 1 प्रोटॉन हो जाएगा और 1 न्यूट्रॉन हो जाएगा. इसी तरह हाइड्रोजन 3 ट्राइटियम हैज़ 2 न्यूट्रॉन. इट्स सिंबल इज़
H3N1, हमारे पास इसमें दो न्यूट्रॉन, वन प्रोटॉन आ जाएगा, वन ही इलेक्ट्रॉन है, जितने प्रोटॉन होते हैं उतनी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वन प्रोटॉन वन इलेक्ट्रॉन पीछे, थ्री माइनस वन, तो हमारे पास टू टू न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। वो ये कह रहे हैं बिकॉज हाइड्रोजन वन इज नोन एज प्रोटियम हैज़ वन प्रोटॉन, एडिंग अ न्यूट्रॉन डबल मैस प्रोटियम। अब वो ये कह रहे हैं जो प्रोटियम है वो हमारे पास, इसके हम प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। वो कह रही है हमारे पास कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता, ऑर्डरलेस होता है, कोई स्मेल नहीं होती, टेस्टलेस होता है, कोई जायका नहीं होता, और ये आपके पास कौन सी मैटर है जी, कौन सी मैटर की फॉर्म में, गैस फॉर्म में होता है, इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर एंड इज़ हाईली इनफ्लेमेबल। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो है ये इनफ्लेमेबल गैस है और वाटर के अंदर जो है वो सॉल्युबल नहीं होती। नेक्स्ट में वाटर दैट कंटेन हाइड्रोजन टू इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन वन इज कॉल्ड हैवी वाटर। जो हमने सेकेंड वाला पढ़ा था ना कि हमारे पास इसमें हमारे पास जिसमें हमारे पास हाइड्रोजन के टू एटम है हाइड्रोजन वन की जगह, तो उसको उन्होंने जो है हमने जिसको ड्यूट्रियम का नाम दिया, तो उसको हम बोलते हैं जी हैवी वाटर। आगे हमारे पास आ जाते हैं कंपैरिजन ऑफ ऑर्डिनरी वाटर एंड हैवी वाटर, ये हमारे पास आ जाते हैं जी शॉर्ट क्वेश्चंस में। ठीक है, द फर्स्ट वन इज प्रॉपर्टी, मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डिनरी वाटर का होता है जी 0.00 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि हैवी वाटर होता है जी 3.81 डिग्री सेंटीग्रेड। बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डिनरी वाटर का होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, हैवी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 101.2 डिग्री सेंटीग्रेड। डेंसिटी एट 225 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऑर्डिनरी वाटर होता है 0.99701 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और हमारे पास हैवी वाटर होता है 1.1044 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब हम आ जाते हैं जी इनकी अक्रेंस की तरफ। जो आपके पास नेचुरली अक्रिंग हाइड्रोजन कंटेन 99.99 प्रोटियम, जो प्रोटियम होता है वो कितनी परसेंट नेचुरली पाए जाते हैं 99.9%, जबकि ड्यूट्रियम पाए जाते हैं 0.0015, जबकि ट्राइटियम का वो कहते हैं ट्राइटियम इज अ रेडियो एक्टिव एंड इज रेयर, ट्राइटियम इज नॉट फाउंड इन नेचुरली अक्रिंग हाइड्रोजन बिकॉज इट्स न्यूक्लियस इज अनस्टेबल। वो कह रहे हैं कि ट्राइटियम हमारे पास जो है वो रेडियो एक्टिव है और रेयर यानी कि कम पाया जाता है। ठीक है, और रेडिएशन इमिट करता है, और ये हमारे पास नेचुरली जो है वो नहीं होता, नहीं पाया जाता बिकॉज इट्स न्यूक्लियस, क्योंकि इसका न्यूक्लियस जो है वो हमारे पास अनस्टेबल है। ठीक है, अब हमने जैसे कहा था कि हाइड्रोजन वन जो है H1, हमने कहा था उसका अटोमिक नंबर भी वन है, मास नंबर भी वन है, इसका मतलब है उसके न्यूक्लियस में वन प्रोटोन है और वन ही इलेक्ट्रॉन है, जबकि हाइड्रोजन टू इसमें हमारे पास मास नंबर टू था, वन प्रोटॉन हो गया, वन इलेक्ट्रॉन हो गया, और एटॉमिक नंबर माइनस हमने किया मास नंबर, तो वन न्यूट्रॉन रह गया था, वो हमने इधर लिख दिया। सेकेंड हमारे पास नंबर ऑफ जो ट्राइटियम था उसमें हमारे पास मास नंबर था जी थ्री था, तो हमने नंबर ऑफ प्रोटॉन दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन वन है तो इलेक्ट्रॉन भी वन है, तो हमारे पास पीछे कितने रह गए, हमारे पास टू रह गए, तो हमने लिख दिया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में, वो सॉरी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जी आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन हैज़ थ्री आइसोटॉप्स, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, ऑलमोस्ट ऑल द कार्बन इज कार्बन 12, इट्स सिंबल इज C6 और 12, इट हैज़ 6 न्यूट्रॉन्स एंड 6 प्रोटॉन्स। वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो कार्बन है उसके तीन आइसोटॉप्स हैं, एक कार्बन 12 है, एक कार्बन 13 है और एक कार्बन 14 है। अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास ज़्यादातर जो है वो कार्बन 12 आता है, उसका सिंबल हमारे पास ये है, और इसमें 6 न्यूट्रॉन होते हैं और 6 ही प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास मास नंबर 12 है ना, तो हमारे पास कितने आएंगे, 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो 6 प्रोटॉन है तो 6 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, और 6 माइनस 12 तो हमारे पास 6 ही न्यूट्रॉन आ गए। ठीक है, इस तरह कार्बन 13 हैज सिंबल C6 और हमारे पास मास नंबर जो है वो 13 है, इट हैज 7 न्यूट्रॉन एंड 6 प्रोटॉन। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी कि एटॉमिक नंबर 6 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने होंगे, 6 होंगे, और 6 माइनस 13 तो हमारे पास आ जाते हैं जी 7, तो हमारे पास 7 न्यूट्रॉन आएंगे। इस तरह कार्बन 14 जो है वो हमारे पास 8 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन, इट्स सिंबल इज C6 और मास नंबर हमारे पास 14 है। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास इसमें हमारे पास प्रोटॉन तो 6 हैं और हमारे पास 14 माइनस 6 तो हमारे पास क्या आ जाता है जी, हमारे पास आ जाते हैं 8, वो हमने 8 न्यूट्रॉन्स लिखे। आगे हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ आते हैं। वो कह रहे हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन आर ब्लैक एंड ग्रेश ब्लैक सॉलिड एक्सेप्ट डायमंड। वो कह रहे हैं कि डायमंड के अलावा बाकी हमारे पास जो हैं वो या तो कार्बन ब्लैक फॉर्म में जो है वो एग्जिस्ट करते हैं या हमारे पास ग्रे से कलर में, ग्रेश ब्लैक में। ठीक है, अब आगे ये ऑर्डरलेस होते हैं यानी कि कोई स्मेल नहीं होती, ये टेस्टलेस होते हैं, इसका कोई टेस्ट नहीं होता, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड इज इनसॉल्युबल इन वाटर। आगे हमारे पास एक एक्टिविटी आ रही है, हमारे पास
ठीक है, पहले हमें उन्होंने बताया कि हमारे पास नेचुरल अबंडेंस कार्बन की कितनी है, जो कार्बन जो है कार्बन 12 है वो आपके पास 98.8% एग्जिस्ट करता है, जो आपके पास कार्बन 13 है वो 1.1% एग्जिस्ट करता है, जो कार्बन 14 है वो 0.009% एग्जिस्ट करता है। आगे हमने यहाँ पे फिलअप करना है, पहला हमारे पास जो है वो कार्बन 6 है और मास नंबर इसका 12 है, इट मीन्स कि हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो कम्प्लीट है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 6 हो जाएंगे क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की इक्वल होते हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी 6 होंगे। सेकेंड हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 6 ही हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 6 हैं लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे 7। नेक्स्ट हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनकम्प्लीट है, 1, 2, 3, 4 और दो आपने और लगाने हैं, एक आप जो है लास्ट वाले शेल में दोनों लगाएंगे क्योंकि फर्स्ट शेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है, इधर आपने लगा दिए। उसके बाद नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 6 होंगे और 6 - 14 दैट इज इक्वल्स टू 8, ठीक है, तो हमारे पास जो है आपने इस वाले में कितने जो है वो न्यूट्रॉन्स लगाने हैं, 8 लगाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जी आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन, देयर आर टू नेचुरल आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37, वो कह रहे हैं कि हमारे पास दो आइसोटॉप्स नेचुरली क्लोरीन के एक्जिस्ट करते हैं, द फर्स्ट वन इज 35 एंड द सेकेंड वन इज 37, एन एटम ऑफ क्लोरीन 35 हैज 17 प्रोटॉन एंड 18 न्यूट्रॉन, जो क्लोरीन 35 है उसमें 17 प्रोटॉन्स आते हैं और 18 न्यूट्रॉन्स आते हैं, एन एटम ऑफ क्लोरीन 37, जो हमारे पास क्लोरीन 37 है उसमें 17 प्रोटॉन्स हैं और 20 न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है, हमारे पास जो 35 है, क्लोरीन 35 अकर इन नेचर अबाउट 75% एंड क्लोरीन 37 अबाउट 25%, वो कह रहे हैं जो 35 है वो नेचुरली 75% एग्जिस्ट करता है और जो आपके पास 37 वाला है वो 25% है। उसके बाद है क्लोरीन इज ग्रेश येलो गैस विद अ शार्प पंजेंट एरिटेटिंग स्मेल, इट इज़ फेयरली सोलेबल इन वाटर, अब हमारे पास ये गैस फॉर्म में होती है और ग्रेश येलो हमारे पास इसका कलर होता है और ये हमारे पास एक एरिटेटिंग स्मेल है, शार्प पंजेंट इरिटेटिंग और वाटर के अंदर जो है वो कम्प्लीटली सोलेबल नहीं होती, फेयरली सोलेबल होती है। आगे हमारे पास इसकी कुछ यूजेस आ रहे हैं जी, स्टेबल एंड रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स हैव मेनी एप्लीकेशन इन साइंस एंड मेडिसिन, हमारे पास टू टाइप्स ऑफ आइसोटॉप्स होते हैं, द फर्स्ट वन इज स्टेबल एंड द सेकेंड वन इज रेडियोएक्टिव, हम बात करते हैं रेडियोएक्टिव, रेडियोएक्टिव आयोडीन 131 इज यूज एज अ ट्रेस इन डायग्नोसिंग थायराइड प्रॉब्लम, द फर्स्ट वन है हमारे पास रेडियोएक्टिव आयोडीन, वो कह रहे हैं रेडियोएक्टिव आयोडीन हमारे पास जो है किसके पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, थायराइड जो प्रॉब्लम होता है उसमें हम यूज़ करते हैं, ठीक है, और उसमें आपने समटाइम देखा होगा गले में स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है, तो उसके लिए हम रेडियोएक्टिव आयोडीन यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। द सेकेंड वन हमारे पास है जी, सेकेंड हमारे पास आ जाते हैं जी सोडियम, सेकेंड हमारे पास है जी सोडियम, सोडियम 24 इज़ यूज टू ट्रेस द फ्लो ऑफ ब्लड एंड डिटेक्शन एंड डिटेक्ट पॉसिबल कंस्ट्रिक्शन एंड ऑब्स्ट्रक्शन इन अ सर्कुलेटरी सिस्टम, जो सोडियम 24 है, वैसे हम सोडियम 23 हमारे पास होते हैं ना मोस्टली हम बात कर रहे होते हैं, हमारे पास जो सोडियम है उसका मास नंबर 23 होता है, तो यहाँ पे सोडियम 24 की बात करें कि वो हमारे पास ही जो आपके पास ब्लड फ्लो कर रहा होता है या सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसकी ऑब्स्ट्रक्शन के या डिटेक्शन के लिए कंस्ट्रक्शन के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी आयोडीन 123 इज़ यूज टू इमेज दी ब्रेन, हमारे जो है आयोडीन जो है वो इमेजिंग के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे आपने सीटी स्कैन देखा होगा तो उस सीटी स्कैन जो करते हैं उसमें हमारे पास क्या यूज़ हो रहा है, उसमें आयोडीन 123 यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी कोबाल्ट 60 इज़ कॉमनली यूज टू इरिटेट कैंसर सेल इन द होप ऑफ किलिंग एंड श्रिंकिंग द ट्यूमर, अब वो ये कह रहे हैं कि जो कोबाल्ट 60 है वो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे हम समटाइम जो वो कैंसर सेल जो है कैंसर सेल जो हो जाते हैं उनको जो है वो डिस्ट्रॉय करने के लिए जो है वो कोबाल्ट 60 यूज़ किया जाता है। इसके अलावा द नेक्स्ट वन इज कार्बन 14 इज यूज टू ट्रेस द पाथ ऑफ कार्बन फोटोसिंथेसिस, ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है उसमें जो है कार्बन 14 यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स आर यूज टू डिटरमिन द मोलिकुलर स्ट्रक्चर, फॉर एग्जाम्पल सल्फर 35 हैज़ बीन यूज इन द स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ थायोसल्फेट H2O3 आयन, वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो है मोलिकुलर स्ट्रक्चर को जो है वो डिटर्मिन करने के लिए रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि सल्फर 35 है, सल्फर जो 35 है वो सल्फर
थायोसल्फेट का जो स्ट्रक्चर है उसको फाइंड आउट करने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है, और भी जो बहुत सारे केमिकल्स हैं उनके स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करने के लिए जो है वो ये यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जी, रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स आर यूज टू स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के रेट को या उनके मैकेनिज्म को जो है वो स्टडी करने के लिए रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं जी लास्ट वन, रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स आर यूज टू डेट रॉक्स, सॉइल्स, आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स एंड ममीज। वो ये कह रहे हैं कि इसके अलावा रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स जो हैं, जो आपके पास ओल्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जैसे सारे कदीमा के मुताबिक इनके बहुत पुराने ऑब्जेक्ट्स हैं या जो डेड बॉडीज़ हैं उनको जो है उनकी जो है एज फाइंड आउट करने के लिए, जो प्लांट्स एनिमल्स हैं जो डेड हो जाते हैं उनकी प्लांट्स एनिमल्स के जो जैसे प्लांट्स एनिमल्स हैं उनकी एज फाइंड आउट करने के लिए कि वो कितने पुराने हैं, ठीक है, उसके लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जैसे कार्बन 14 है, कार्बन 14 इज़ यूज टू एस्टिमेट द एज ऑफ कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंसेस। कार्बन एटम सर्कुलेट बिटवीन द ओशंस एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म एट अ रेट वेरी मच फास्टर देन दे डीके। एज अ रिजल्ट द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन 14 इन ऑल लिविंग थिंग्स कीप ऑन इंक्रीजिंग आफ्टर डेथ। ऑर्गेनिजम्स नो लॉन्गर पिक अप कार्बन 14 by comparing the activity of a sample of skull and jaw bones with the activity of living tissues, we can estimate how long it has been since the organism died. This process is called डेटिंग। अब ये कह रहे हैं कि जैसे रेडियोएक्टिव ऑब्जेक्ट जो है आइसोटॉप्स यूज़ किए जाते हैं, ऐसे हमारे पास एक कार्बन 14 भी है। अब कार्बन 14 जैसे कैसे हम यूज़ करते हैं जी, कार्बन 14 हमें जैसे स्केलेटन्स वगैरह मिलते हैं जानवरों के या कोई भी लिविंग थिंग्स हैं उनके मिलेंगे, ठीक है, या कोई उनका कोई बॉडी का पार्ट, स्कल या बोन्स कुछ भी मिल जाएगा, तो हम जो है कहते हैं कि ये कितने हज़ार साल जो है वो पुराने हैं, तो उनकी हिस्ट्री को हम जो है वो उस कार्बन 14 से जो है जो इनके अंदर जो है वो कार्बन जो है वो प्रेजेंट होता है उससे हम जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं, और इस प्रोसेस को हम जो है वो कार्बन डेटिंग का नाम देते हैं। ये हम एस्टिमेशन के लिए उनकी एज जो है वो उनकी उनको एस्टिमेट करने के लिए हम जो है वो यूज़ करते हैं।